इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पहले हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। क्योंकि जब भी इस तरह का फंक्शन हो कि एक्सपोनेंशियल उसके साथ हो, तो ये वाला फार्मूला लगता है कि पहले एक्सपोनेंशियल सेपरेट होना चाहिए, फिर आगे फंक्शन होना चाहिए, मतलब इसकी पावर ए एक्स, ए का मतलब है कुछ कॉन्स्टेंट, और ये फिर फंक्शन, फिर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स प्लस सी, तो इस तरह होना चाहिए, तो हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये उस फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में हम लेके आएंगे पहले इसे, और उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। वन प्लस एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स को जब हमने सेपरेट करके लिखा ई की पावर एक्स को, तो बाकी क्या बचा, एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल का स्क्वायर, ये बचा। तो क्योंकि जब इस नीचे और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब कुछ इक्वल होता है, तो हम दूसरा लेके आते हैं, तो हमें यहाँ पे वन चाहिए, तो क्योंकि हमें वन चाहिए, तो हम वन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ये वाला वन प्लस एक्स। ई की पावर एक्स हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है वन को, वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल का स्क्वायर माइनस वन ओवर, अब इसे मतलब सेपरेट करके लिखा है, एक मरतबा इसके साथ और एक मरतबा इसके साथ, तो सेपरेट करके लिखा वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल का स्क्वायर माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब एक इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, वन ओवर वन प्लस एक्स आया, और ये वाला दूसरा माइनस का वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं ये देखें, इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, वन प्लस एक्स है यहाँ पे, एक एक्स का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर है हमारे यहाँ पे। अब ये देखें, ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है, अगर ये फंक्शन हो वन ओवर वन प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है नीचे वाला स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि अगर ये देखें, ये पहले हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते थे, तो इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगर इसे ऊपर लिखें, अगर इसको इस फॉर्म में लिखें, तो हम डेरिवेटिव फाइंड करें, तो क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। इसका मतलब है कि पावर को हम शुरू में ले आएंगे और पावर में से एक कम करेंगे, माइनस वन में से मज़ीद माइनस वन कम किया, तो क्या आया, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी, माइनस का वन और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर माइनस टू, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस का वन ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस भी साथ लगेगा और स्क्वायर भी आएगा। तो यहाँ पे ये देखें, स्क्वायर वन ओवर वन प्लस एक्स, माइनस का वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर भी आया आगे। अब फार्मूले के मुताबिक हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि इसका अगर पावर में कॉन्स्टेंट वन है, तो आगे यहाँ पे भी वन है इसके साथ, वन तो हम लिखते नहीं होते, तो दोनों का वन है। फार्मूले के मुताबिक ई की पावर ए एक्स, ए एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, अगर इस तरह की फॉर्म हो, तो हम वो इक्वल होता है ई की इंटीग्रेशन जब सोल्व करते हैं, तो ये वाला आंसर था ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे फंक्शन क्या था, वन ओवर एक्स, तो हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हुए ई की पावर एक्स वन ओवर वन प्लस एक्स और प्लस सी लगाया, ई की पावर एक्स ओवर वन प्लस एक्स प्लस सी, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। थैंक यू।